नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त प्रदेश सचिव मोहम्मद मोइन खान का स्वागत समारोह जोरदार तरीके से किया गया। इसमें जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मोइन खान को माला पहनाकर के आशा व्यक्त की। इनके मनोनयन से समाजवादी पार्टी के यूथ विंग को जोरदार ताकत मिलेगी। इसी क्रम में मोइन खान ने अपने संबोधन में कहा कि जिस आशा और विश्वास के साथ अखिलेश यादव ने मुझ पर विश्वास की जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर मैं पूर्ण रूपेण खरा उतरने का प्रयास करूंगा और नौजवानों के बीच कर उन्हें समाजवादी पार्टी की नीतियों रीतियों से जोड़ने का प्रयास करूंगा और 2022 में अपने महबूब नेता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास करूंगा। इसी क्रम में अजय यादव ने कहा कि भाई मोइन खान के मनोनयन से समाजवादी पार्टी और विशेषकर शहर के नौजवानों में एक लहर है और उन्हें समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जोड़ने में आसानी होगी। स्वागत समारोह में मुख्य रूप से विवेक सिंह, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जुरार खान, निशांत राय, टीपू परवेज अहमद, वेद प्रकाश यादव, आनंद सिंह, अशोक यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं परवेज अहमद, पूर्व प्रदेश का समिति सदस्य। अच्छा, स्वागत समारोह किसका है, क्या? हाँ, आज हमारे शिवली कॉलेज में पिछले दिनों अध्यक्ष पद के लड़े थे मोइन खान। बहुत ही मजबूत, बहुत ही होनहार और बहुत ही मेहनती लड़का, जिसको मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में सचिव बनाया गया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का, अपने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय एम एस उत्तम पाल जी का, पटेल जी का, और अपने जिले के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ इन लोगों के प्रयास से मोइन खान को। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं मोइन खान, पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी सिविल नेशनल पीजी कॉलेज, प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का। मुझे माननीय श्री अखिलेश यादव जी के और नरेश उत्तम जी के द्वारा बनाया गया है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आपको इतना बड़ा पद दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इतना बड़ा पद दिया गया, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस जिम्मेदारी के मुझे काबिल समझा है, और इस पद पर रहते हुए मैं आजमगढ़ में दसों विधानसभा सीटों के ऊपर जो भी अपने हमारे यूथ के साथी हैं, उन लोग से मेरी ये अपील है, अपने अपने बूथों पे मेहनत करें, अपने अपने बूथों से जीतवाएं विधानसभा को, क्योंकि बूथ से ही जीत होगी। और जब बूथ से जीत होगी तो आने वाले 10 तारीख को माननीय श्री अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और आज दसों विधानसभा की सीट जीतवाने में अहम भूमिका रहेगी।